राजधानी भोपाल में रविवार को भूमिहार, गालब और त्यागी समाज का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया। बता दें कि ये कार्यक्रम एमपी नगर के 9 मसाला होटल में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह, गालब और त्यागी समाज के वरिष्ठ जन सहित कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। जानकारी के अनुसार राजगुरु मठ वाराणसी के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री अनंतानंद सरस्वती जी महाराज के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसी दौरान त्यागी समाज से आने वाले संजय सिंह के अध्यक्ष बनने पर समारोह में उनका सम्मान किया गया। इसके अलावा भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने एडवोकेट अंकुर शर्मा को मध्य प्रदेश कुश्ती संघ का विधि सलाहकार घोषित कर नई जिम्मेदारी सौंपी। तो सर्वप्रथम तो हम लोगों को यह अपनाना चाहिए कि हम लोग समाज की एकता बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने परिवार की एकता बनाएं। परिवार की एकता बहुत जरूरी है। हमारा पूरा समाज जो विघटित है वह परिवार की वजह से ही विघटित है। आपस में हम लोग सामंजस्य बनाएं, अपने बच्चों को हम जैसे पहले अपनी रिश्तेदारियों में घुमाएं, वहाँ नाना के यहाँ, नानी के यहाँ, बुआ के यहाँ, सारे रिश्तों को उनको बताएं कि ये हमारे ये रिश्ते हैं। अभी मैं 2 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस था, मैं एक कार्यक्रम में गया था, मतलब वहाँ देख करके आंख भर आई। अच्छे अच्छे घर की महिलाएं वहाँ सामने बैठी हुई थी और अपने अतीत को याद करके झरझर झरझर आंसू उनके नेत्र से निकल रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम एकाकी जीवन जी रहे हैं। हमारे पूरे, मैं अपने बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूं। हम पहले विवाह टूटते नहीं थे, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तलाक शब्द था ही नहीं, और आज आप उठा करके देखिए कि हर 10 में से एक के यहाँ तलाक की व्यवस्था शुरू हो गई है, नहीं पट रहा है तुरंत। एकाकी जीवन का कारण है